Hello everyone and a very warm welcome to Meet Now. Meet Now, your NCERT destination. इस समय हम बात करें उस 30% सिलेबस की जो क्लास 12 के बोर्ड्स में नहीं आएगा बट नीट एग्जाम में आएगा. ऑल्सो इसी के लिए अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया कोई वीडियो आता है आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. बाकी के डिटेल्स नीचे लिंक में है. अगर हम बात करें ओजोन की, केमिस्ट्री में क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि देयर इज सर्टेन बैड ओजोन विच इज बैड फॉर एवरीथिंग, ठीक है, बट एक गुड ओजोन भी चीज होती है. देखिए, सन की जो रेज होती है उसमें हर टाइप की रेज होती है, उनमें एक होती है अल्ट्रावायलेट रेज. कौन सी रेज? यूवी रेज. नाउ दीज यूवी रेज ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, यानी कि हमको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती हैं. अब अल्ट्रावायलेट रेज को कहीं ना कहीं से फिल्टर होके आना होता होगा, तभी तो हम तक नहीं आ पाती हैं, राइट, क्योंकि फिल्टर हो जाती हैं. तो ये फिल्टर क्या है? इस यूवी रेज को जो हम तक पहुंचने से बचाता है, ये जो लेयर है दिस इज योर ओजोन. ओजोन जो है वो आपकी यूवी रेज को रोक देती है कि यूवी रेज जो है आपकी वो अर्थ तक ना आए. देखिए, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपकी जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है. अच्छी ओजोन जिसकी बात करें, गुड ओजोन विच इज वेरी हेल्पफुल टू अस. यूवी रेज, यूवी बी रेज ये जो है ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. ये प्रोटीन से, हमारे डीएनए से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकती हैं, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो टूट सकती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन अकर हो सकती है. हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगी एंड ऑल द म्यूटेशंस आर नॉट नेसेसरीली गुड. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यूवी रेज की, दीज आर हार्मफुल. हमारी बॉडी में डीएनए जो है वो ब्रेक डाउन होगा, म्यूटेशन होगा. म्यूटेशन का सबसे बड़ा रिजल्ट जो होता है वो होता है कैंसर. और वही हो रहा है कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे ओजोन लेयर में एक होल बन गया है. क्यों बना है अभी हम डिस्कस करेंगे. वहाँ पे स्पेशली एंटार्क्टिक रीजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, स्पेशली स्किन कैंसर्स, इरिटेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, साथ ही साथ डीएनए के साथ छेड़छाड़ है केमिकल बॉन्डिंग के साथ, तो वो ब्रेक हो जाती है, म्यूटेशन अकर हो जाती है. कैंसर मैं बता चुकी हूँ. जो कॉर्निया होता है हमारी आँख का वो यूवी बी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. यूवी बी रेज को इट एब्जॉर्ब्स, जिसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस कॉज होती है. स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है? अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर स्विट्जरलैंड के पहाड़ कैसे दिखते हैं, जब आप वहाँ खड़े होते हैं एवरीथिंग इज वाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, तो ये होती है स्नो ब्लाइंडनेस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखने लगता है और इसके वजह से कभी कभी आपकी जो देखने की शक्ति है वो जा सकती है. दिस इज वेरी हार्मफुल. कैटराक्ट भी इससे होने के चांसेस होते हैं. तो ये जो बेसिकली यूवी रेज हैं दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस. इनफैक्ट हम लोगों को जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाहर जाना होता है, कहा जाता है कि आप सनस्क्रीन लगा के रखिए. क्यों? क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करने के, यानी कि हमको उससे प्रोटेक्ट करने के कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं. सो वी टेक एवरी केयर कि यूवी रेज हम तक ना पहुँचे बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस ह्यूमन बींग्स. ना अभी यूवी रेज के बारे में तो हमें पता चल गया कि कितनी ज़्यादा हार्मफुल है. अब ओजोन इसको हमसे प्रोटेक्ट करती है. ओजोन जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह एक्ट करती है और रेज हम तक आने नहीं देती. ओजोन बनती कैसे है? ठीक है, यूवी रेज ही जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे एक्ट करती हैं तो ये इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन होती है, डिग्रेडेशन होता है. फिर अगेन O2 प्लस दिस O इट गिव्स यू O3 विच इज योर ओजोन. ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन की फॉर्मेशन होती है कंटिन्यूसली, जो ये एक शील्ड बना के रखती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि हमने कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है अपनी सराउंडिंग्स को, कितना ज़्यादा हम लोगों ने एक तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बीट एयर पोल्यूशन, लैंड वाटर सॉइल, हर तरीके से पोल्यूट किया है. सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन में क्या होता है? एयर पोल्यूशन में जो चीज़ें ऊपर हवा के साथ उठ जाती हैं अगर, तो वो वहाँ एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं. अब वहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों तक What happened कि जो हम कूलिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, हमारे ACs हो गए, इसमें कूलेंट होता था. ठीक है, कूलेंट का नाम क्या था? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स.
तो ये जो सी एफ सीज थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे. क्यों? ये आपके राइज हो जाते थे एटमोसफियर में, इनके ऊपर यूवी रेज जब एक्ट होती थी तो जो क्लोरीन एटम होता था वो अलग निकल आता था. क्लोरीन एटम जो है O3 को डिग्रेड करता है, O3 को डिग्रेड करता है, और उसकी वजह से ओजोन की जो फॉर्मेशन है वो हो ही नहीं पाती. सबसे बड़ी बात, जो क्लोरीन एटम है इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट जो है उसका सिर्फ एज अ कैटलिस्ट है, वो किसी भी तरीके से उसमें यूटिलाइज नहीं होता. तो जो क्लोरीन एटम्स हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ सैचुरेट होने लगते हैं, और क्योंकि ये आपके इन्वॉल्व हो रहे थे सिर्फ, वहाँ पे उनका यूसेज नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए. 1990s तक आते आते, मतलब 1980s तक आते आते इट बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम एंटार्क्टिक पे, जो ओजोन होल की फॉर्मेशन हुई थी. अब काफ़ी हद तक हील हो गया है, बट ये जो ओजोन होल है इसके थ्रू यूवी रेज जो है वो आपकी एंटर करने लग गई. अब एंटर करने लग गई तो जहाँ भी हैं लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग गया. तो तभी फिर मॉन्ट्रियल कैनेडा, कहाँ? मॉन्ट्रियल कैनेडा में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ कि अब हमको इससे लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए हमको थोड़े से मेजर्स लेने पड़ेंगे. 87 में साइन किया गया था, 1989 से ये इफेक्टिव रहा कि ये आपको करना ही पड़ेगा, सो दैट जो ओजोन है हमारी वो इंटैक्ट रहे, यानी उसको कोई हार्म जो है वो ना हो. क्लियर? तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल कैनेडा के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से फुटप्रिंट्स का, जो डिजिटल हमारे फुटप्रिंट्स जिसको कहते हैं, वैसे ही हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स भी होते हैं कि आपके हर एक कंट्री के कितने कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि आप कितना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो. तो ये चीज़ मॉन्ट्रियल कैनेडा में जब हुई, उसके बाद कई सारे ऐसे रोड मैप्स आए, कई तरीके आए कि आप किस तरीके से क्या क्या करें. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो बाकी है. सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो सैचुरेशन तो कहीं ना कहीं होगा ही, ऑब्वियसली डिग्रेड नहीं हो रहे. तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर्स या एसीज में कूलेंट जो है वो सीएफसीज नहीं होते हैं, कई जगह लिखा भी होता है सीएफसी फ्री, बिकॉज सीएफसी ने हमारे एटमोसफेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया था. तो ओजोन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाती है, एंग्जाइटी भी हो जाती है, आपको पता है. सो दीज आर द रीजंस कि हमको यूवी रेज से बचना है. अल्टीमेटली सन में तो बहुत सारे रिएक्शंस हो ही रहे हैं, राइट? तो उनसे जो हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं उनसे हमको बचाने के लिए जो हमारा अम्ब्रेला है ओजोन, उसको हमें खोना नहीं है. एंड ओजोन डिप्लीशन इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि अगर कंटिन्यू होता रहा तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है. ठीक है, सो ये है आपके ओजोन डिप्लीशन के बारे में छोटा सा टॉपिक है, पर अगेन इफेक्टिव है. यहाँ पे मॉन्ट्रियल कैनेडा वाला जो क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो आपको याद रखना है 87 में हुआ था, बट लागू हुआ था 1989 से. ठीक है, ओजोन की फॉर्मेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की फुल फॉर्म वगैरह, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी बहुत याद रखनी होगी, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. सो फटाफट इसको एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, राइट डाउन इन द कमेंट. सोशल मीडिया पे हमसे जुड़िए, हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है. बी फ्रैंक, लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट. ठीक है, तब तक पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए. अब एग्जाम टाइम पास आता जा रहा है, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ड्रिंक एम्पल वाटर, सर्दी से बचिए, अवॉइड जंक फूड, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.